वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं थोड़ा ठीक से बैठ लेती हूँ कि यहाँ पे नीचे पे मैंने एक सेटअप लगाया है, आप लोगों ने देखा ही है। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा मतलब फ़ोन रखने का ट्राइपॉड रखने का जगह ही नहीं है। मैं कैसे कैसे एडजस्ट की हूँ। एंड आज का ब्लॉग जो है, आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल। थोड़ा सा सेटअप आप लोगों ने देखा ही है, मैंने लाइटिंग, फ्लावर पॉट, यहाँ पे एक सेटअप लगाया है, पिल्लो वगैरह टेडी फेडी डाल के, पीछे हैप्पी बर्थडे का ये वाला लगाया मैंने लड़ी। एंड आज मैं अब स्पेशल क्यों होने वाला है मैं दिखा रही हूँ। देखो टाइम तो हो रहा है, अभी 2:08 हो रहा है। एंड डेट पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, दिखाई दे रहा है 27 है, आज 27 दिसंबर है। एंड हमेशा की तरह मैं लास्ट ईयर का भी वीडियो मेरा पड़ा होगा यूट्यूब पे। एंड हमेशा की तरह 27 दिसंबर है, तो आज है मेरे फेवरेट पर्सन का बर्थडे है आज, जैसा कि मैंने कई बार बोला भी है। एंड हर साल मैं कुछ ना कुछ मतलब हर साल मैं सेलिब्रेट करती हूँ। 27 दिसंबर है आज सलमान खान सर का बर्थडे है, तो इस बार मैं ऐसे थोड़े ना जाने दे सकती, मैं कभी हमेशा करती हूँ। तो जिसके लिए मेरा बजट थोड़ा कम था, तो खुशी मनाने के लिए, कुछ भी इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा जो घर में बाबू का रखा हुआ था उससे ये सब करके तो सेटअप तैयार कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर मैं लाई हूँ, मेरा थोड़ा बजट कम था इसलिए मैं केक तो नहीं ला पाई एंड बना भी नहीं पाई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो क्रिसमस में मैंने बनाया था। तो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। हंसी आ रही है, हंसने का क्या है, मुझे जितना हो पाया मैंने किया। तो मैंने एक पेस्ट्री खरीद के लाई हूँ एंड इस पर मैंने एसके लिखवाया था, बट ये ख़राब हो गया। यहाँ पे वाइट वाला दिख रहा है, इससे एसके लिखवाया था मैंने, हिल विल के ख़राब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम कट करेंगे एंड बर्थडे बनाएंगे अपने फेवरेट पर्सन का। हर साल करती हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग क्या सोचोगे क्या ढकोसला करिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ। मेरे अपने लोग सब लोग जानते हैं कि मैं हर साल करती हूँ। तो ये है हैप्पी बर्थडे का टैग, यहाँ पर लगाते हैं। इसके लिखा हुआ था तो मिट गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा मेरा रेड वेलवेट में लेके आई हूँ एंड हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया। ये कैंडल भगवान जी के ऊपर था तो ये भी मैं ले आई हूँ, इसको भी मैं जलाऊंगी। एंड केक आजा बेटा जल्दी आजा, केक कट करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। हंसी आ रही है, मैं बाहर बैठी हुई हूँ ना, लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे सेटअप वेटअप करके बढ़िया लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। कैंडल वैंडल जलाते आ जाओ बेटा तुम। चलिए अब हम अपना बर्थडे सलमान सर का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। आजा बेटा, ये मैंने कैंडल में जला लिया है एंड केक भी निकाल लिया है, कैमरा को मैं बाहर में डाल दिया था कि यहाँ से अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे dear Salman Khan sir, happy birthday to you, happy birthday। मैं ऐसी हमेशा हर साल मनाती रहूं, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चलो मैंने केक कट किया है तो मैं आप लोगों को भी खिला रही हूँ, खा लो। कैसा लगा, अच्छा लगा? चलो हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। एंड ये मैं सब साल करती हूँ, सबसे मतलब शादी के बाद से करती हूँ। शादी के पहले तो खुद का बर्थडे बनाने का औकात नहीं था, मतलब जब से शादी हुई तब से तो ऐसे मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है ना, मतलब मालिक खुद ही का मालकिन है ना, है ना। तो तब से मैं करती हूँ हर साल। चलिए बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है।
आज का वीडियो यही था, इस वीडियो का मेन पर्पस यही था, मतलब छोटू सा वीडियो है, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है व्लॉग वाला। बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया, केक मतलब पेस्ट्री कट किया, एंड बस यही था, छोटा सा वीडियो है, आप लोग के साथ शेयर किया। मैं हर साल करती हूँ, मैं पहली बार नहीं की हूँ, एंड कैमरा के लिए नहीं की हूँ, पिछले साल भी किया था और उसके भी पहले वाले साल किया था, और उससे पहले मैं यूट्यूब पे थी ही नहीं, बट मैं हमेशा करती हूँ, मतलब शादी के बाद से। तो मुझे है मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है वो, एंड थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्शन टाइप का है, बस शुरू से ही, बचपन से ही है, मतलब ऐसा है स्टोरी है ना कि मैं 10-10, 20-20 रुपए ऐसे जमा करके मैं पोस्टर खरीद के लाती थी एंड घर में टांगती थी, और उस टाइम पे मेरे पापा को नहीं, मतलब नहीं था पसंद कि मतलब मैं घर में ऐसे पोस्टर लगाऊँ, एंड मैं 10-10, 20-20 रुपए जमा करके लाती थी, रोज़ पोस्टर लगाती थी, रात में पापा आते थे पोस्टर फाड़ देते थे, फिर अगले दिन मैं पोस्टर खरीद के लाती थी, मतलब मेरा इतना क्रेज है एंड मुझे इतना अट्रैक्शन है पहले से ही है। अब मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ, पिछले साल भी यही बोली थी एक ही स्टोरी। तो बस हो गया, केक कटिंग हो गया, एंड यहाँ पे मैंने जो सेटअप लगाया ना, बहुत क्यूट सा लग रहा है, ये ट्राईपॉड है, जब मैं दिल्ली गई थी मेरी भाभी दी थी, एंड यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सामने जगह नहीं है कि मैं पूरा फुल दिखाऊं, बट बहुत अच्छा लग रहा है देखो। तो अब इस वीडियो को एंड करती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। छोटा सा वीडियो था बट इसमें मुझे और कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ यही करना था तो मैंने कर लिया। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।